हेलो फ्रेंड्स, ठंडी शुरू होते ही मार्केट में प्रचुर मात्रा में ग्रीन पीज आना शुरू हो जाता है और ग्रीन पीज के साथ हम ढेरों रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन 12 महीने ये फ्रेश मिलते नहीं, तो क्यों ना इन फ्रेश मटरों को हम महीनों तक स्टोर करने का तरीका देख ले। बहुत ही आसान तरीका है, मिनटों में बनने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चलिए देखते हैं मटर को फ्रोजन करने का तरीका क्या है। यहाँ पे मैंने आधा किलो फ्रेश मटर लिए हैं, इस तरीके से मैंने छील लिए मटर को। चलिए अब गैस के ऊपर हमने पानी भी गर्म करने रख दिया है, 1 लीटर पानी को मैंने गर्म करने रख दिया है। पानी में बॉईल आने देते हैं पहले। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। आधा किलो के लिए 1 चम्मच चीनी काफ़ी हो जाती है, चीनी के कारण मटर का जो हरा कलर है वो बरकरार रहता है। पानी में बॉईल आ चुका है तो अब हम बॉईल वाटर में डालने वाले हैं मटर। मटर को हमें इसमें पकाना नहीं है, बस मटर को हम इसमें सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। वैसे ये उबला हुआ ही पानी था, लेकिन मटर डालने के बाद अब इसमें उबाल आने के लिए 1 या 2 मिनट का समय आसानी से लगने वाला है। एक बार मैं चम्मच से चला देती हूँ, तब तक हम तैयार करेंगे ठंडा पानी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर लिया है एक बाउल में, उसमें मैं डाल रही हूँ बर्फ़। ठंडा ठंडा पानी बनाना है इसका, बर्फ़ डाल के ही बनाना है, तभी मटर हमारे अच्छे से फ्रोजन हो जाएंगे। देखिए मटर तैर कर ऊपर आ चुके हैं, अब 2 मिनट में ही ये पानी बॉईल हो जाएगा। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म मटर को हम निकाल के ठंडे ठंडे पानी में डालने वाले हैं। बर्फ़ का पानी हमने पहले से ही तैयार करके रखा है, उसमें मैं इन मटर को डालने वाली हूँ। मात्र मिनटों की रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन इस तरीके से अगर मटर को हम फ्रोज़न करके रखते हैं फ्रीजर में तो इसे हम जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। फिर पुलाव बनाना हो या मटर पनीर या फिर मटर की टिक्की, हर चीज़ में ये मटर काम आ जाते हैं। अब पानी में मैंने मटर को निकाल लिया है ठंडे ठंडे पानी में, अब बर्फ़ पिघलने तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब आप देख सकते हैं बर्फ़ पिघल चुकी है, मटर भी ठंडे हो चुके हैं, तो इन मटर को मैं छानने वाली हूँ। सारा पानी हम निकाल देंगे और अब हम इसे पैक करके रखने वाले हैं। मैं इन्हें पैक करने के लिए जिप लॉक बैग का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो आधा किलो की बैग में इसे सारे के सारे ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे पाउच में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास 2 तरीके की जिप लॉक बैग है, ये छोटी वाली है और यहाँ पे मेरी आधा किलो वाली भी बैग मेरे पास है, लेकिन मैं छोटे छोटे पाउच में इन्हें पैक करने वाली हूँ ताकि अगर मुझे स्मॉल क्वांटिटी में मटर यूज़ करना हो तो मैं सिर्फ 1 पाउच निकाल के इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। इन्हें फ्रीज़र में अगर रख देंगे तो ये 6 महीने तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। देखिए मैंने 1 पाउच को पैक कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना आसान सा तरीका फ्रेंड्स। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे मटर को पैक करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने सारे मटर को जिप लॉक बैग में पैक कर लिया है। मेरे मटर तो तैयार हो चुके हैं, आप भी इसे फटाफट बनाइए और मटर को स्टोर करके रखिए ताकि आप जब चाहे इन्हें यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये तरीका मटर को फ्रोजन करने का, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।